उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से माफी मांगी है। दरअसल हाथरस गैंगरेप पर हाथरस जाते वक्त प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे यानी DND पर रोके गए थे। उस वक्त काफी देर तक पुलिस के साथ उनकी गहमागहमी हुई और उसी वक्त की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक सिपाही प्रियंका के कपड़े पकड़े नजर आ रहा है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नोएडा पुलिस का कहना है कि ACP रैंक के एक अधिकारी को इस जांच का जिम्मा सौंपा है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि जो फोटो वायरल हुआ है उसमें चेहरा नजर नहीं आ रहा, लिहाजा पुलिस उस वक्त की फुटेज की जांच करेगी। पुलिस अधिकारी का कहना है कि किन परिस्थितियों में ये सब हुआ है इसकी भी जाँच की जा रही है। यही नहीं, रविवार को नोएडा पुलिस ने DND फ्लाईओवर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई बदसुलूकी पर भी खेद जताया है। दरअसल प्रियंका अपने भाई राहुल गांधी के साथ हाथरस जा रही थी, लेकिन DND पर पुलिस ने दोनों को रोक दिया था और उस वक्त जमकर हंगामा हुआ था और इसी हंगामे के दौरान एक पुलिसकर्मी ने प्रियंका गांधी का कुर्ता पकड़कर खींचा था, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसका अब नोएडा पुलिस ने संज्ञान लिया है और प्रियंका से माफी भी मांगी है। काश उत्तर प्रदेश पुलिस पहले ही अनुशासित और संयमित रहे तो न मामला बिगड़े और न ही चीजें इस तरह की हों। सच में इस वक्त देश में पुलिस सुधार बहुत ही जरूरी है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।